संजय प्लस में जनकपुरी सजने जा रहा है। जनकपुरी महल विवादों के घेरे में आ गया है। जनक महल को लेकर एक व्यापारी ने विरोध किया तो ब्लॉक 43 के व्यापारी जनक महल के पक्ष में आ गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए जनकपुरी महोत्सव समिति ने विवाद को सुलझाकर विवाद को शांत करा दिया। संजय प्लस क्षेत्र में सजने जा रही जनकपुरी में सजने जा रहा जनक महल विवादों के घेरे में आ गया। जनक महल को लेकर एक व्यापारी ने विरोध किया तो ब्लॉक 43 के व्यापारी जनक महल के पक्ष में आ गए। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जनकपुरी महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि ब्लॉक 43 में जनक महल बनेगा। इस ब्लॉक का एक व्यापारी जनक महल का विरोध कर रहा है, उसे समझा लिया जाएगा। जनकपुरी महोत्सव भव्यता के साथ सम्पन्न होगा। देखिए, भगवान राम के काम में थोड़ी सी तो अड़चन आनी भी चाहिए। जब अड़चन आती है तो हम जनकपुरी वासी सब लोग एकत्रित होकर के उस समस्या का समाधान करते हैं, और वो भी कोई समस्या नहीं है। एक्चुअल में उनको कमेटी में हम लोगों को पहले से ही जोड़ना था। उनकी वो थोड़ी सी गुस्सा है कि हमें कमेटी में नहीं जोड़ा गया। आज या कल में वो निस्तारण हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी हम में से ही हैं। अभी मुझे पता लगा कि कुछ लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग क्या, एक पर्टिकुलर व्यक्ति विरोध कर रहा है, वो अपने निहित स्वार्थ के कारण कर रहा है। ये भगवान राम का काम है, मिथिला नगरी बनी है, और ये बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे संजय प्लेस के लिए कि मिथिला नगरी के लिए हमारे संजय प्लेस को चुना गया है। जनक महल विरोध की जानकारी मिलते ही ब्लॉक 43 के व्यापारी एकजुट हो गए। व्यापारियों ने कहा कि यह हम सभी संजय प्लेस के व्यापारियों के लिए परम सौभाग्य का अवसर है कि यहां जनकपुरी सज रही है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ कि ब्लॉक 43 के सभी लोग जो चाहते हैं कि जनक महल जाना बने, तो मेरी सबसे बात हुई है केवल अवधि फूड वाले को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। हम खुद जो चाहते हैं जनक महल और भव्य बने, और उसकी एक बल्ली अगर हमारी दुकान पे सीने पे भी रख दिया तब भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, कैसी भी तकलीफ नहीं है। ये सब भाई ब्लॉक 43 के हैं। ये जो विरोध के स्वर उड़ रहे हैं ये गलत हैं, और केवल उसी की दुकान ही प्रभावित नहीं है, मेरी भी दुकान प्रभावित होगी, लेकिन ये प्रभु श्रीराम का काम है और आगे चल के मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेरे ब्लॉक का विकास होगा, मेरा फर्श बन रहा है, मेरे ब्लॉक की सीवर जो है उसका निर्माण हो रहा है, सड़क बन रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जनकपुरी महोत्सव समिति ने जनक महल का विरोध कर रहे व्यापारियों को समझा बुझाकर विवाद को शांत करा दिया। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।